सो हे एंड व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो आज हम करेंगे अनबॉक्सिंग बोट की तरफ से आने वाली लेटेस्ट स्मार्ट वॉच की, जिसका नाम है बोट स्टॉर्म प्रो। यह स्मार्ट वॉच आपको 3000 रुपीस में देखने को मिल जाती है और इसका बेस्ट बाइक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो वहां से आप इसे परचेज कर सकते हो। इस वीडियो में आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखेंगे कि हमें इसमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं और क्या ये इस प्राइस रेंज में अपने प्राइस को जस्टिफाई कर पाती है या नहीं। एंड इस वीडियो में इसका एक गिव अवे भी होने वाला, सो स्टे ट्यून्ड। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले तो हमें इसका एक बॉक्स देखने को मिल जाता है, फ्रंट में इसकी एक पिक्चर बनी हुई है। इसमें आपको 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बैक साइड में इसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस लिखी हुई हैं, ये आपको प्योर मेटालिक डिजाइन में देखने को मिलती है। IP68 की वाटर रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। 700 प्लस एक्टिव मोड्स हैं, इसका मतलब इसमें 700 से ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज को आप यूज कर सकते हो या आप एप्लीकेशन के थ्रू सेट कर सकते हो। यू कैन सी लाइव क्रिकेट स्कोर्स इन दिस। सो फटाफट से हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो जैसे हम बॉक्स को ओपन करते हैं, कुछ इस तरह से आपको ये स्मार्ट वॉच देखने को मिल जाएगी। बॉक्स की पैकेजिंग काफी ज्यादा अच्छी तरह से की गई है और यहाँ पर काफी ज्यादा एक प्रीमियम लुक देने की कोशिश की गई है इसके बॉक्स को भी, एंड सेम थिंग टू द वॉच। मेरे पास जो वेरिएंट है वो ग्रे कलर में, बाकी दो कलर्स आपको और देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले मैं स्मार्ट वॉच को बाहर निकाल लेता हूँ, कुछ इस तरह से आपको स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। आफ्टर दैट हमें इसके कुछ जो पेपर वर्क है और दूसरी एक्सेसरीज देखने को मिल जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इट्स मैग्नेटिक पिन चार्जिंग केबल। उसके बाद हमें बोट का एक कैटलॉग देखने को मिल जाता है जिसमें इसके दूसरे प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं। थैंक यू कार्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। एंड आफ्टर दैट वी हैव इट्स यूजर मैनुअल, जिसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हो तो। एंड एट द एंड वारंटी कार्ड इज प्रेजेंट, जिसके अंदर आपको 1 ईयर की वारंटी देखने को मिलती है। फाइनली हम देख लेते हैं हमारी स्मार्ट वॉच को, कुछ इस तरह से हमें स्मार्ट वॉच देखने को मिलती है। सो अगर मैं इसकी ओवरऑल फील की बात करूँ, ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ, तो मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। फर्स्टली स्ट्रैप्स की बात करें तो स्ट्रैप इसके यहाँ पर आपको सिलिकॉन मटेरियल के प्रोवाइडेड हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा स्किन फ्रेंडली स्ट्रैप्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काफ़ी सॉफ्ट स्ट्रैप्स यहाँ पर प्रोवाइडेड हैं। अगर वॉच के मेन मॉड्यूल की बॉडी की बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको फ्रंट में जितना भी है और जो रिम्स जितने भी हैं इसके, वो सब आपको मेटालिक देखने को मिलते हैं। बैक साइड जब आपको मैट फिनिश के साथ देखने को मिलती है। एंड जो इसका क्राउन है, यानी कि जो इसका मेन ऑपरेशनल बटन है, वो भी आप देख सकते हो कि स्ट्रैप का जो कलर है सेम उस कलर का आपको देखने को मिलता है। सो ये काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे, डिजाइनिंग के मामले में यहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया गया है। सो यहाँ पर आपको 1.78 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि अब तक की सबसे लार्जेस्ट डिस्प्ले है बोट की वॉचेस की। अगर मैं इसकी ब्राइटनेस की बात करूँ तो सनलाइट में सुपर ब्राइट आपको देखने को मिलती है, कोई इशू नहीं होगा उसमें। 325 PPI का पिक्सल डेंसिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है और उसके साथ ही 70% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो देखने को मिलता है। इस वॉच के अंदर बेस्ट फीचर मुझे लगा कि इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा स्मूदर एक्सपीरियंस आपको प्रोवाइड करता है। बिकॉज मैंने अभी तक किसी भी स्मार्ट वॉच के अंदर 60Hz का रिफ्रेश रेट नहीं देखा। ऑलमोस्ट जितने भी स्मार्ट वॉचेज होते हैं सब में 30 या फिर 40Hz का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलता है। मोस्टली आपको 30Hz का रिफ्रेश रेट प्रोवाइडेड होता है, बट इसमें आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है। एंड आफ्टर दैट यू हैव ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इन दिस वन। सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का काफी ज्यादा एक अच्छा रोल रहता है, अगर आपको बार बार अपने स्मार्ट वॉच में बटन प्रेस करना नहीं है, जो टाइम होगा वो आपकी स्मार्ट वॉच पे हर समय फ्लैश होता रहेगा। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा मुझे यहाँ पर अच्छी लगी, डिस्प्ले के मामले में बहुत ज़्यादा वर्क किया है इस बार बोट ने। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप करता हूँ तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको जितने भी फीचर्स हैं इसके, बेसिक फीचर्स हैं, वो देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्टेप्स देखने को मिलते हैं, आफ्टर दैट वी हैव हार्ट रेट हियर, हार्ट रेट के बाद SpO2 का फीचर देखने को मिलता है। स्लीप ड्यूरेशन आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हो, म्यूजिक आप यहाँ पर प्ले कर सकते हो, वेदर का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि आप अपने स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करके इसको इशू कर सकते हो। स्वाइप अप अगर मैं करता हूँ तो आप अपने स्मार्टफोन के साथ जैसे इसे कनेक्ट करोगे तो आप स्पोर्ट्स का स्कोर जो है वो देख सकते हो, कोई भी अगर क्रिकेट मैच लाइव चल रहा है तो उसका स्कोर आप यहाँ पर देख सकते हो। एंड स्वाइप डाउन करूँगा अगर मैं तो यहाँ पर आपको एक स्टेटस बार या फिर एक नोटिफिकेशन बार की तरह देखने को मिलता है, जिसमें आप ब्राइटनेस को एडजस्ट कर सकते हो स्वाइप डाउन स्वाइप अप करके। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ से ऑन कर सकते हो, अलार्म आप यहाँ से लगा सकते हो, सेटिंग्स आप यहाँ से अपनी विजिट कर सकते हो, एंड DND को भी आप यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हो। सेटिंग्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव वॉच फेसेस जिसमें आपको काफी सारे देखने को मिलते हैं। स्क्रीन स्लिप का ऑप्शन देखने को मिलता है, कितनी देर तक आपको अपने स्मार्ट वॉच की डिस्प्ले ऑन रखनी है। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को आप यहाँ पर टर्न ऑन कर सकते हो, कुछ इस तरह से आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी। अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले किस तरह से वर्क करती है। वाइब्रेशन की इंटेंसिटी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग या फिर नन, मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पर सिलेक्ट कर देता हूँ। सिस्टम के अंदर आप इसे पावर ऑफ वगैरह कर सकते हो, एंड अबाउट सेक्शन में इसकी कुछ डिटेल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। तो मेन मेन्यू की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पर जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं वो सब देखने को मिलती हैं, एंड इसकी एप्लीकेशन के थ्रू आप यहाँ पर दूसरी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी ऐड कर सकते हो। इन डेप्थ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसमें प्रेजेंट है, 700 प्लस एक्टिविटीज़ को आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो स्पोर्ट्स फ्रीक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी वॉच होने वाली है। हार्ट रेट वगैरह यहाँ पर मैं आपको मेजर करके एक बार बता देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो कि हार्ट रेट मैंने मेजर कर लिया और कुछ इस तरह से मुझे इसकी रीडिंग जो है वो देखने को मिल रही है। सिमिलरली SpO2 को भी मैं यहाँ पर अभी आपको मेजर करके बता देता हूँ। तो SpO2 के कुछ इस तरह से आपको रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। वी हैव ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हियर, तो इसमें आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज को भी यूज़ कर सकते हो, काफ़ी एक सही फीचर मुझे लगा। इनहेल एक्सहेल दोनों के ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे।
स्टॉपवॉच यहाँ पर प्रोवाइडेड है, टाइमर भी इधर प्रोवाइडेड है, तो ये सभी एक काफ़ी बेसिक फीचर जो है वो सभी प्रोवाइडेड हैं। उसके बाद हमें फ्लैशलाइट का ऑप्शन देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो कि वाइट स्क्रीन हो जाती है पूरी आपके डिस्प्ले पर। तो अभी मैं स्मार्ट वॉच को अपने स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप इसके जो एप्लीकेशन वाले फीचर्स हैं उन्हें यूज़ कर सकते हो। सो फर्स्टली आपको बोट क्रेस्ट एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना एंड ओपन कर लेना उसे। जैसे आप उसे ओपन करते हो, थोड़ा बहुत सेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पर आपको अपनी स्मार्ट वॉच का जो वर्जन है उसे सिलेक्ट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पर स्टोम प्रो सिलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आगे देखने को मिल जाएगा। जैसे आप अपना गोल सिलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको दूसरे स्टेप्स पर मूव ऑन करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसका बेसिक्स वगैरह देखने को मिल जाता है। वाइटल्स भी यहाँ पर प्रेजेंट है, उसके बाद स्टेप्स हो गया, हार्ट रेट, स्लीप, SPO2, एनर्जी मीटर, ये सभी के स्टैट्स जितने भी हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बडीज के ऑप्शन में आप बडीज को सिलेक्ट कर सकते हो, काफी सारे बडीज आप ऐड भी कर सकते हो। होम पर जाकर आप जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज हैं वो देख सकते हो एंड फिटनेस प्लान्स को भी सिलेक्ट कर सकते हो। एक्टिविटीज में आपको यहाँ पर 700 प्लस एक्टिव मोड्स देखने को मिलते हैं। इनका मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी एग्जिस्टिंग मोड्स आपके स्मार्ट वॉच में प्रेजेंट है आप उनको किसी भी एक को रिप्लेस कर सकते हो या ज्यादा को भी रिप्लेस कर सकते हो। इसमें आपको जो भी एक्टिविटी रिप्लेस करनी हो आपको इन डेप्थ सर्च आउट करके ही रिप्लेस आप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डांसिंग सिलेक्ट करता हूँ तो डांसिंग के अंदर यहाँ पर जितनी भी दूसरी एक्टिविटीज हैं डांसिंग से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं वो सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर मैं एरोबिक्स सिलेक्ट करता हूँ तो एरोबिक्स यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा स्मार्ट वॉच के अंदर। तो मुझे काफी ज्यादा सही फीचर लगा कि जिस एक्टिविटी की आपको नीड है वो आप अपने अकॉर्डिंगली सेट आउट कर सकते हो। तो अब इसके सेटिंग्स वगैरह की बात करें तो आपको यहाँ पर ऑटो हार्ट रेट ट्रैकर का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको आप टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। मैं इसे अभी के लिए टर्न ऑफ कर देता हूँ। सभी रिमाइंडर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, अलार्म्स आप इसके अंदर से सेट कर सकते हो। कॉल आप इसके अंदर रिसीव नहीं कर सकते बिकॉज इसमें कोई भी एक माइक वगैरह प्रेजेंट नहीं है, बट आप इसके अंदर जो कॉल्स हैं उनको रिजेक्ट कर सकते हो एंड क्विक रिप्लाई भी सेंड कर सकते हो मैसेज के थ्रू। वॉच फेसेस की अगर हम बात करें तो आपको कुछ इस तरह के काफी सारे क्लाउड वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग डिजाइन में अवेलेबल हैं। तो मैं अभी एक वॉच फेस सिलेक्ट कर देता हूँ, कुछ इस तरह से वो आपकी स्मार्ट वॉच जो है उस पर अप्लाई हो जाएगा। वॉच सेटिंग्स के अंदर आपको ये सभी फीचर्स देखने को मिलते हैं जो बेसिक हैं, और यहाँ पर एक क्विक रिप्लाई का फीचर भी है जो कि अगर आप कॉल पिक नहीं कर पाते हो तो आप क्विक रिप्लाई का यूज करके एक मैसेज सेंड कर सकते हो। अबाउट डिवाइस के अंदर आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको इसका फर्मवेयर वर्जन वगैरह और जो अपडेट्स जो आएंगी फ्यूचर में वो सभी देखने को मिल जाती हैं। सो इन शॉर्ट आपको कुछ इस तरह से इसकी एप्लीकेशन का जो इंटरफेस है वो देखने को मिलता है। तो बैटरी बैकअप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको लगभग 5 से 6 दिनों का बैटरी बैकअप देखने को आराम से मिल जाएगा। अगर आप इसमें एक नॉर्मल यूज़ करते हो, हार्ट रेट ट्रैकर वगैरह को आप ऑफ रखते हो तो काफ़ी इजीली आपको ये बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा। एंड ASAP चार्जिंग का भी इसमें सपोर्ट है, यानी कि अगर आप आधा घंटा चार्ज करते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 90% या 85% तक जो बैटरी लाइफ है वो देखने को मिल जाएगी। तो मुझे लगता है काफ़ी सही फीचर यहाँ पर है कि आप फास्ट स्पीड में चार्जिंग कर सकते हो एक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में। लाइव क्रिकेट स्कोर्स का यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा सही फीचर है जो कि आप इसमें यूज़ कर सकते हो। IP68 डस्ट स्वेट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। डिस्प्ले भी यहाँ पर सुपर ब्राइट है, कोई डिस्प्ले रिलेटेड इश्यूज यहाँ पर नहीं होने वाले हैं आपको। एंड आपके स्मार्टफोन में जो म्यूजिक प्ले हो रहा है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो। वेदर का इसमें जो फीचर है वो काफ़ी ज़्यादा एक डिटेल्ड फीचर है, यानी कि इसमें आपको काफ़ी दिनों का वेदर भी देखने को मिलता है एंड वेदर की जो कंडीशंस है लाइक ह्यूमिडिटी हो गई या प्रेसिपिटेशन हो गई वो सभी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। सो इन माय ओपिनियन ये जो स्मार्ट वॉच है काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी डील हो सकती है। मैंने काफ़ी टाइम तक बोट एक्सटेंड स्मार्ट वॉच भी यूज़ किया जो कि लगभग इसी रेंज में आती थी 2.5 से 3 हज़ार रुपये में। तो वो स्मार्ट वॉच मैंने लगभग 4 से 5 महीने तक यूज़ किया था, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी वो स्मार्ट वॉच। एंड मुझे लगता है बोट स्टोम प्रो जो स्मार्ट वॉच है वो उसको एक टक्कर दे सकती है एंड इसमें जो है फीचर्स उससे कहीं ज़्यादा अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप 3 हज़ार के नीचे कोई भी स्मार्ट वॉच सर्च कर रहे हो तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो, एक बहुत ज़्यादा अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। विद ऑल द प्रीमियम बिल्ड एंड गुड डिस्प्ले आपको ये फीचर्स इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं। आपको स्मार्ट वॉच कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब बात करें इसके गिव अवे के बारे में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। इंस्टाग्राम पर भी आपको मुझे फॉलो कर लेना, लिंक इज प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन। तो गाइस यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दें। तो गाइस यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में एंड सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।